नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। रामलला की तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन भी हो चुका है। इस समय लोग राम मंदिर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो आइए जानते हैं अयोध्या के भव्य राम मंदिर की क्या खासियत है। अयोध्या राम मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाया गया है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के पहले चरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास वेदों, पुराणों और भगवान राम की रामायण में मिलता है। यहाँ पर भगवान राम ने अपना बालकाल बिताया था। यहाँ पर रामलला भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ पर भगवान राम के बाल स्वरूप की स्थापना की जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर का निर्माण 3 मंजिला हो रहा है, जो कि पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर का 3 मंजिला निर्माण हो रहा है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार होंगे। राम मंदिर कैसा है, आपको इसके खास बातें बताते हैं। राम मंदिर में मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान होंगे और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। इसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप शामिल है। मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवताओं के साथ ही देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से होगा, जहां पर 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से लोग अंदर आ सकते हैं। दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को भी समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां पर जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी कि RCC बिछाई गई है और इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। यहां पर 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट्स बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था भी है। इसके साथ ही मंदिर के लिए स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाला एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण भी किया गया है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर के साथ ही चिकित्सा की सुविधा भी रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानगार, शौचालय, वॉश बेसिन आदि की सुविधा रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष संपत राय ने पूरे मंदिर का नक्शा पेश किया। इसमें उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से साल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।